आप सभी लोगों ने पारस पत्थर के बारे में जरूर सुना होगा। कहते हैं जिस किसी को भी अगर पारस पत्थर मिल जाए तो वो रातों रात अमीर बन जाता है। जी हाँ, पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिसके छूने मात्र से ही लोहा भी सोना बन जाता है। यहाँ तक कि पारस पत्थर को लेकर बहुत सी कहानियां कही जाती हैं। जबकि आज के जमाने में ये पत्थर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि आज भी मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में पारस पत्थर मौजूद है जिसकी रखवाली जिन करते हैं। आपको बता दें 1200 ईस्वी में बनाया गया ये किला रायसेन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख आकर्षण भी है। जबकि पहाड़ी की चोटी पर इस किले को बनवाने के लिए बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो आज भी वास्तुकला और गुणवत्ता का एक अद्भुत प्रमाण है। जबकि कई शताब्दियां बीत जाने के बाद भी ये किला शान से खड़ा है। जबकि इसी किले में दुनिया का सबसे पुराना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है। इस किले पर शेरशाह सूरी ने भी शासन किया था और कहते हैं कि यहाँ के राजा के पास पारस पत्थर था जिससे किसी भी चीज को स्पर्श कर देने से वो सोना यानी कि गोल्ड बन जाया करती थी। जबकि इसी पारस पत्थर को पाने के लिए कई लड़ाइयां भी हुई हैं और यहाँ के राजा राजसेन हार गए तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में ही मौजूद एक तालाब में फेंक दिया, जो आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। और कहा जाता है कि पारस पत्थर के लिए युद्ध में राजा का निधन भी हो गया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने पारस पत्थर कहाँ रखा है। और उसी के बाद से ये किला वीरान हो गया और इस किले के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। कहते हैं कि इस किले में ये पारस पत्थर आज भी मौजूद है और उसकी रखवाली जिन करते हैं। और जो लोग पारस पत्थर की तलाश में किले में गए उनकी मानसिक हालत खराब हो गई। आपको बता दें इस किले के खजाने का भी आज तक पता नहीं लग पाया है और उसकी तलाश में आज भी किले में रात में गुनिया यानी एक तरह से तांत्रिक की सहायता से खुदाई होती है। और दिन में जो लोग यहाँ घूमने आते हैं उन्हें कई जगह तंत्र क्रिया और खोदे गए बड़े बड़े गड्ढे भी दिखाई देते हैं। पारस पत्थर एक पहेली है, आज तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया और जिसने जाना अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कहते हैं कि पारस की खोज अभी तक जारी है। अगर एटॉमिक संरचना की मानी जाए तो कोई ऐसा पारस पत्थर नहीं होता है जो लोहे को सोना बना दे, जबकि ये काले रंग का एक सुगंधित पत्थर होता है तथा दुर्लभ और बहुमूल्य होता है। जबकि पारस पत्थर के बारे में ये मान्यता है कि लोहे को इस पत्थर से स्पर्श कराने पर लोहा सोना बन जाता है। नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट।